ओम शांति। आज प्रकृति को सकाश देंगे। कोरोना के जो भी मरीज हैं उनको इस सकाश के द्वारा ठीक करने के लिए योग युक्त होकर सकाश देंगे। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि यह योग बल से कैसे कोरोना सचमुच ठीक होता है। यदि हम प्रकृति को सकाश दें तो बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि शरीर रूपी जो प्रकृति है, पुरुष आत्मा, ये प्रकृति शरीर पांच तत्वों से बनी हुई है। आप सभी जानते हैं कि काफी समय से कोरोना का असर पूरे विश्व पर है। यह तन को बीमार तो करता ही है और किया है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा कोई भी नहीं है जिसके मन पर यह हावी ना हुआ हो। मन से तो सभी ग्रसित हैं, भले तन से ना हो। यदि हम गौर करें कि कोरोना ज्यादा कहाँ है, यदि आपसे क्वेश्चन करें कि शहर में या गांव में, शहरों के कंपैरिजन में बड़े बड़े देशों में, तो आपका आंसर होगा कि गांव में कम, शहरों में ज्यादा, और शहरों में कम, बड़े बड़े देशों में ज्यादा। क्यों? तो देखिए, इसका कारण भी है, क्योंकि गांव में प्रकृति को पाला जाता है, उसकी सेवा करी जाती है, उस प्रकृति से प्यार किया जाता है। गांव की हवा शहरों की हवा की बजाय शुद्ध होती है, क्योंकि प्रकृति जहां पाली जाती है वहां बीमारी का असर कम होता है। जितना हम उसे पालेंगे, जितना हम उसे प्रेम करेंगे, जितनी हम उसे ब्लेसिंग्स देंगे, जितना हम उसे शांति के वाइब्रेशंस देंगे, तो वह आपके ऊपर असर नहीं डालेगी, ना ही आपके ऊपर कोई बीमारी असर डालेगी। राजयोग करते समय यह ध्यान रखिए कि प्रकृति को सकाश जरूर जरूर दीजिए, और यह प्रकृति जो पांच तत्व की बनी हुई है, तो अपना नियम बना लीजिए कि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, फ्री हो तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं। मरीज यदि इसको एक्टिव है तो उसे भी कह सकते हैं, सुनते हुए, रिपीट करते हुए, उसकी पिक्चर को बनाते हुए, चित्रों को उसे एक तरह से इमर्स करते हुए वैसा वैसा अनुभव करते जाएं। तो इस तरह से इसका सकाश का बहुत बहुत इफेक्ट पड़ेगा, शरीर भी ठीक होगा, बीमारी से भी आप निकल जाएंगे, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, डरा हर कोई है, और हम कह देते हैं कि डरिए मत, ये मत सोचिए, वो मत सोचिए, आपने कहा लेकिन किया तो नहीं। उस डर को आपको भगाना होगा ना, सिर्फ कहना कहना कि डर नहीं है या डर भाग गया, कहने से डर नहीं भागता, बल्कि डर को हमारे अंदर से निकालना है, उसे एकदम खत्म करना है। तो उसके लिए आइए हम इस योग के द्वारा सभी कोरोना के मरीज को ठीक करेंगे, और उससे पहले पृथ्वी को सकाश देते हुए उनको भी सकाश देंगे। आप एक स्थान पर बैठ जाइए, अपने आप को देखिए मस्तक के बीच। मैं एक आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट। बहुत पावरफुल आत्मा है, चमकता हुआ
सितारा, पवित्रता के सूर्य की संतान, पवित्रता के सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अनुभव करेंगे फाउंटेन की तरह, और वह सूर्य की किरणें मुझ में समा रहे हैं, पवित्रता की प्यूरिटी की किरणें समाहित हो रही हैं। अपने सामने देखें धरती का घूमता हुआ ग्लोब, प्रकृति को देखें, और देखें कि मेरे तीनों नेत्रों से, आंखों से और ये भ्रकुटी से प्रकृति माँ को ये प्योर वाइब्रेशंस जा रहे हैं। पवित्र किरणें मेरे नेत्रों से ग्लोब में समाहित हो रही हैं। अपने ऊपर निरंतर परमात्मा शक्तियों के फाउंटेन को, फवारों को पढ़ते हुए देखिए, आंखों से निकलते हुए प्रकृति में, ग्लोब में समाते हुए देखें, प्रकृति में समाहित हो रही है ये पवित्रता, प्योरिटी की किरणें। दृष्टि घुमाएं चारों तरफ, विजन बनाएं, ये पवित्र किरणें पांचों तत्वों में समा रही हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। पांचों तत्वों से क्षमा मांगे, हे प्रकृति माँ, मैंने आपको जो भी नुकसान पहुंचाया है आज तक, मैं अपने सभी गलत कर्मों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और देखें अपने मस्तक से पवित्र किरणें ग्लोब पर पड़ रही हैं। देखें मैं मास्टर बैद्यनाथ मुझसे निकलकर पवित्र किरणें चारों ओर निकलकर फैल रहे हैं। जो आत्माएं बीमार हैं, जो कोरोना से ग्रस्त है, कोरोना के मरीज हैं, उनको देखें कि ये पवित्र लाइट उनको स्पर्श कर रहे हैं और उनकी हीलिंग कर रही है। देखें उनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी सबकी, और परमात्मा किरणें उन सब पर पड़ रही हैं। उनके लंग्स, उनका बीपी, उनकी ऑक्सीजन लेवल सभी क्लीन और स्मूथ हो रहा है।
वह अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे वह नॉर्मल हो रहे हैं। ये पवित्र लाइट की किरणें उनकी पूरी बॉडी में फैल रही हैं। अनुभव कीजिए, उन्हें रोग मुक्त बना रही हैं। कोरोना वायरस को नष्ट कर रहे हैं। देखते ही देखते आत्माएं एकदम स्वस्थ हो गई हैं, हील हो गई हैं। विजुलाइज करें, पिक्चर बनाएं, कोरोना मुक्त हो गए हैं। उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन से भरपूर शक्तिशाली परमात्मा किरणों का आवरण बना दीजिए। उन्हें परमात्मा छत्र छाया में, परमात्मा के सानिध्य में अनुभव कीजिए और अनुभव कीजिए उनके ठीक होने की खुशी को। ओम शांति।